परम श्रद्धेय शांतानंद उदासीन का 46वां निर्वाण दिवस श्री शांतानंद उदासीन आश्रम पुष्करराज में श्रद्धा और उल्लास से मनाया गया। आश्रम के महंत राम मुनि ने बताया कि गुरु श्री शांतानंद उदासीन का 46वां निर्वाण दिवस जो हर वर्ष की भांति हर्षोल्लास और आध्यात्मिक व धार्मिक कार्यक्रमों से संपन्न हुआ। गुरु शांतानंद जी उदासीन बड़े ही सरल संत थे। उन्होंने अपने जीवन में सादगी और सिमरण को अपनाए, साथ ही आने वाली पीढ़ी को प्रभु की आराधना और सिमरण करने का संदेश दिया। आश्रम के महंत हनुमान राय जी ने बताया कि परम श्रद्धेय श्री शांतानंद उदासीन जी की पुण्यतिथि पर सुबह से अभिषेक, शांतानंद जी उदासीन जी का पूजन, आरती की गई। संत महात्माओं सहित श्रद्धालुओं को भोजन प्रसादी का वितरण किया गया, महंत राममुनि का आशीर्वाद दिया गया। इस अवसर पर साईं स्वरूप दास, स्वामी आत्मदास, स्वामी ईश्वरदास सहित सैकड़ों संत महात्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम से जुड़े कंवल प्रकाश कृष्णानी, महेश तेजवानी, रामचंद्र गुलाबवानी, प्रकाश मूलचंदानी, हरि चंदनानी, प्रेम केवल रमानी, लक्ष्मण दौलतानी सहित अनेक श्रद्धालुओं ने पुण्य लाभ उठाया। वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। आज श्री शांतानंद उदासीन आश्रम के संस्थापक श्री स्वामी शांतानंद जी महाराज जी की 46वीं वर्षी भक्तों के द्वारा व संतों के द्वारा आश्रम में मनाई जा रही, जिसमें संतों का भोजन भंडारा, भगवान की पूजा पाठ व दक्षिणा का वितरण भक्तों के द्वारा भावना पूर्वक सबका सहयोग और भोजन भंडारे का आयोजन किया गया। आज विरक्त महात्मा और अधिकतर घूमते मंडली के मंडली जला में रहते थे, घूमते फिरते थे, कभी पैसे को हाथ में लगाते, कभी किसी वाहन का उपयोग भी नहीं करते। और सुबह 3 बजे उठ के आश्रम से अजमेर, कौन सा हुआ अजमेर जो ना नए बाजार में एक बाग है, उसमें सत्संग करने के लिए नित्य प्रतिज्ञा है। उनका जीवन बड़ा विचित्र और निर्लेप भाव का। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।